नमस्कार माला इतिमा विद्यालय, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है नेपाल में, किसको? ये आपके सब्जेक्ट है पर्यावरण, के पर्यावरण शब्द में इसमें ज्योग्राफी भी है, भूगोल से संबंधित प्रश्न भी है, ठीक है। भूगोल से संबंधित है और जीव विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। जीव विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, मतलब विज्ञान की पूरी शाखा है इसमें एक तरह से, और भूगोल की पूरी शाखा है। उन सबका मिक्सिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है, और नीदरलैंड को होलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। होलैंड, होलैंड और नीदरलैंड एक ही बात है। हवा सबसे ज्यादा डेनमार्क में चलती है, लेकिन विद्युत का निर्माण पवन चक्की के माध्यम से, विंड मिल के माध्यम से नीदरलैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो ये बना था आजादी से पूर्व 1927 में। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो 1927 बना था आजादी से पूर्व, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क यानी ऑप्टिकल बोसेज पार्क, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क यानी ऑप्टिकल बोसेज पार्क जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित किससे, तो वन संरक्षण संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी ओ2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, 21%, लगभग 21% तक पाई जाती है। कितने प्रतिशत तक, ये 21%, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल कौन सी गैस पाई जाती है, तो 71% तक लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो वही केरल, ठीक है। यानी लिंगानुपात होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात मापा जाता है, जो कि सर्वाधिक केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान बात करें इसी संदर्भ में, तो राजस्थान में डूंगरपुर जिला, कौन सा जिला, डूंगरपुर जिला, जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। और एक जिला है धौलपुर, वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक कम है, यानी 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक कम है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम बनाया गया था 1970 में। अगले क्वेश्चन, सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके 11 क्वेश्चन में 11-12 क्वेश्चन आता है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। कोयला जो कि एक ईंधन का एक बड़ा स्रोत है, ईंधन का एक बड़ा स्रोत है कोयला, ठीक है। तो कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार होता है, पीला होता है बीट, ठीक है, जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, जो धुआं धुआं करता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम मात्रा पाई जाती है। पहला होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, पीट लिग्नाइट बिटुमनी, तीसरा होता है बिटुमनी, चौथा होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट चौथा होता है एंथ्रेसाइट, सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, उच्च क्वालिटी का, है ना। सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है कोयले के 4 प्रकार, पीट लिग्नाइट बिटुमनी और चौथा होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें से पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है और एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है। अगर आपसे पूछे सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट, ठीक है। वही चारों में से नाम देंगे, पूछ लेंगे कोयला का प्रकार है, मान लो ऑप्शन में पीट आ जाए, लिग्नाइट आ जाए, बिटुमनी आ जाए, एंथ्रेसाइट आ जाए, आपको चारों में से जो उचित लगे, उचित लगेगा जो आपको ऑप्शन में दे रखा है उसको टिक कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय वन्यजीव शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है,
भारतीय वन्य जीव शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव शोध